हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस मोस्ट अवेटेड सेशन के अंदर आपका जो हम सॉल्व कर रहे हैं एमएच सेट साइकोलॉजी 2024, उसकी हम ये आपका थर्ड पार्ट है सीरीज का। तो इसके पहले अगर आपने सेकेंड एंड वन तो देख लिया होगा, नहीं देखा है तो उसको जाके आप नीचे लिंक से या फिर प्लेलिस्ट जो है आपकी एमएच सेट 2024 वहां से भी उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पर आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, मोस्टली जो थे आपके कुछ 10-12 सवाल बचे थे, और उसके अलावे जो है आपके यहाँ पर रिसर्च के जो सवाल है उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ऑलराइट, ओके, सो आप सभी को ऑल द बेस्ट। जब भी इसकी फाइनल आंसर की आएगी तो इसको देखेंगे एक बार फिर से हम। ठीक है, लेकिन फिलहाल देखते हैं यहाँ पे कि आपके मोस्ट प्रोबेबल आंसर कौन से होने वाले हैं, क्या वो सही आंसर है या नहीं है, उनके बारे में हम देखते हैं। और जैसा कि आपको पहले ही बताया हुआ है, कट ऑफ आपका जो है लास्ट टाइम जितना नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको कम होने के चांसेस हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगेन स्टिल यहाँ पर पेपर वन आपका कैसा था। ठीक है, उस पर थोड़ा सा डिपेंड करेगा। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, उससे पहले एक और बात यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, कि अगर आप नेक्स्ट टाइम एमएच सेट 2025 देना चाहते हैं और आप इस प्रकार का अगर टफ पेपर आता है तो उसको आप इजिली सॉल्व करना चाहते हैं, टैकल करना चाहते हैं, और इवन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, तो उसके लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर आपकी जो यूनिट नंबर 2 है रिसर्च मेथड्स एंड स्टेटिस्टिक्स, तो उस पे बेस्ड आपके एनटीए बेस्ड एग्जाम पैटर्न पे, तो अगर आपको मालूम नहीं है कि ऑफलाइन भी हो रहा है तो उसके बेसिस पे आप लोगों के लिए यहाँ पर 100 टॉप क्वेश्चंस यहाँ पर क्यूरेटेड किए गए हैं जो आपको मिलेंगे आपके एड्रेस के ऊपर। ठीक है, जिसमें कंप्लीट 100 सवाल कहाँ से होंगे, आपके यूनिट नंबर 2 से। मतलब अगर आप ये 100 सवाल लगाते हैं तो आप मान के चलिए आपको एक एज मिलेगा और आप फायदे में रहेंगे आगे आने वाले एग्जाम्स में, जहां पर रिसर्च का हेविली डिपेंडेंस हो जाता है। और अब तो चूंकि पीएचडी एंट्रेंस भी आ चुका है यहाँ पर, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर देखना होगा। ऑलराइट, तो अगर आप चाहते हैं कि ये प्रैक्टिस बुकलेट आपके घर पे भी पहुंचे, तो उसके लिए आप जो है यहाँ पर नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर ईमेल करके बाकी के डिटेल्स, आगे पेमेंट वगैरह एंड वो सब चीजें वहां पर आप ले सकते हैं। चलिए, इस खूबसूरत नजारे के साथ, अगर आपको मालूम है कहाँ कहाँ है तो बता दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ऑलराइट, सबसे पहला ही सवाल, अगर आप रिसर्च अच्छे से करते हैं तो आपको बनेगा, नहीं किया है तो पहला ही सवाल जो है आपको क्या कर देगा, डीमोरलाइज कर सकता है एग्जाम हॉल के अंदर। इंटरेक्शन इफेक्ट पूछ रहे हैं, इन 2x2 कंप्लीटली रैंडमाइज फैक्टोरियल डिजाइन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय, इन चारों में से बेस्ट डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है आपके एफडी का, यानी कि आपके फिक्स डिपॉजिट का नहीं, आपके फैक्टोरियल डिजाइन का यहाँ पर। तो इफेक्ट है ऑफ IV1 ऑन IV2, IV1 एंड IV2 सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट डीवी, ये तो एक होता है। इफेक्ट ऑफ डीवी ऑन IV1 एंड IV2 लीड्स टू इंटरेक्शन, अच्छा, एंड इफेक्ट ऑफ IV1 ऑन DV चेंजेस, ओके, आप पूरा नहीं देख पा रहे हैं, चेंजेस फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ IV2। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होता है, सही आंसर होने वाला है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर D इसके अंदर। ठीक है, तो अगर आपने D मार्क किया है तो आप सही है यहाँ पर, और अगर आपने इनमें से कुछ भी मार्क किया है तो आपके आंसर गलत होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, हमको चेक करना है इंटरेक्शन इफेक्ट के लिए, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं फैक्टोरियल डिजाइन का, एल्स हम रेंडमाइज ब्लॉक से काम चला लेंगे। ऑलराइट, सेकेंड नंबर का सवाल यहाँ पर देखना है आपने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एस्पेक्ट्स ऑफ नीड फॉर पावर। नीड फॉर पावर कहां से लिया गया है, मोटिवेशन की थ्योरी, आपके डेविड मैक्लेलैंड आ जाएंगे, एफिलिएशन और वो सब चीजें यहां पर आ जाएंगी, नीड टू इंप्रेस इन्फ्लुएंस, यस, रेडीनेस फॉर परफॉर्मेंस टू इन्फ्लुएंस पीपल, ओके, रेडीनेस फॉर वार्म एंड कम्युनिकेटिव, डिजायर टू डू बेटर एंड बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो अगर आपने इन तीनों के बारे में पढ़ा है, एन पावर, एन अचीवमेंट और एन एफिलिएशन के बारे में पढ़ा है, आपने अगर पढ़ा हुआ है तो आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका डिजायर टू डू बेटर एंड बी सक्सेसफुल ये ऑप्शन कहीं से भी नहीं होने वाला है इन एनी केस। ठीक है, ये आपका नहीं होने वाला, तो इसको आप इजीली एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास बचते हैं ऑप्शन 1, 1 एंड 2, ओनली 2 एंड 3। ठीक है, देन आपके पास रेडीनेस फॉर वार्म एंड कम्युनिकेटिव, ये भी लाइकली पॉसिबल आंसर नहीं लग रहा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एंड पावर की बात कर रहे हैं, नीड फॉर पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई अगर आपको लीडर है, कोई नेता है आपके सामने, तो वार्म और कम्युनिकेटिव हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये नीड फॉर एफिलिएशन से ज्यादा आपका रिलेट कर पा रहा है। ठीक है, रेडीनेस फॉर वार्म एंड कम्युनिकेटिव, नीड फॉर एफिलिएशन, बात करनी है, आप हमसे जो है मित्रता दिखाइए, है ना, बातचीत करें, वो सब चीजें मित्रतापूर्ण यहाँ पर आपको नहीं दिखाएगा कोई भी। वार्म को देखिए क्या लिखा हुआ है, वार्म को मैत्रीपूर्णता यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो आपने देखना है। ठीक है, थर्ड भी यहाँ पे नहीं, तो लाइकली पॉसिबल आंसर क्या होगा, या तो ए करेंगे या फिर बी करेंगे। बी यहाँ पर क्यों हो सकता है, रेडीनेस ये तो कंफर्म है, नीड टू इंप्रेस इन्फ्लुएंस, उनका काम ही है, पावर चाहिए इसलिए कि हमको इंप्रेस करना है, इन्फ्लुएंस करना है। रेडीनेस फॉर परफॉर्मेंस टू इन्फ्लुएंस पीपल, इन्फ्लुएंस पीपल अगेन आ रहा है, तो ये भी होगा आपका। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली बी को देंगे वो, लेकिन ए को भी दे सकते हैं, इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेडीनेस फॉर परफॉर्मेंस ये प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पा रहा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, कि मतलब वो परफॉर्म करने के लिए रेडी है। ठीक है, कि इन्फ्लुएंस कर देंगे हम, उस चीज की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन इन्फ्लुएंस पीपल आ रहा है तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि नीड फॉर पावर, हम चाहिए क्यों है पावर हमको, इन्फ्लुएंस करने के लिए मेन काम हमारा यही है। ठीक है, तो लाइकली पॉसिबल आंसर बी के साथ उन्होंने जाना चाहिए।
अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर थर्ड, द फाइव फैक्टर मॉडल ड्रॉज स्ट्रेंथ प्राइमरीली फ्रॉम। यहाँ पे आपके पास है क्रॉस कल्चरल स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, ये तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इस बार आपको रिसर्च से हेविली डोमिनेट किया है, रिसर्च के कुछ टॉपिक्स भी आपसे पूछे हैं, ठीक है, जो क्या कर देता है, जो इस पेपर को यहाँ पर टफ बना देता है, क्योंकि वहां आपसे फाइव फैक्टर मॉडल तो पूछ रहे हैं, लेकिन वहां पे उन्होंने आपसे ओशियन वगैरह कुछ भी नहीं पूछा, उन्होंने और ही कुछ पूछ लिया है आपसे। यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला है आपका, ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रॉन्ग जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल बेसिस फॉर ऑल डिमेंशंस। यहाँ पूछ रहे हैं द फाइव फैक्टर मॉडल जो बना था उसकी स्ट्रेंथ प्राइमरी कहां से आई थी, 50% विवाद चलता रहता है, 50% जीन से, 50% एनवायरमेंट से, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल बेसिस फॉर ऑल डिमेंशंस, ये भी इसको जो है एक हेविली इंपैक्ट करता है। ऑलराइट, ओके, अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है आपके सामने, कहां गया, ओके, द टाइम इट टेक्स द इंटेंशनल सिस्टम टू बिकम प्रिपेयर्ड, तो एक बड़ा ही इजी सा सवाल है आपके लिए यहाँ पर, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट बोल रहा है लेक्सिकल रिसर्च ऑन पर्सनैलिटी शोज दैट, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, कहीं कहीं देखा गया है सम कल्चर्स शो डिफरेंट फैक्टर्स, तो ये नंबर का सवाल, नंबर फाइव नंबर सवाल, आप ये मान के चलिए बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, बहुत ज्यादा ये डिफिकल्ट है, ठीक है। फिफ्थ नंबर का सवाल और उसके साथ साथ आपका थर्ड नंबर का सवाल भी, तो ये कट ऑफ को इम्पैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इजी मतलब पढ़ा होगा आपने, तो आपको बन सकता है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो सवाल है ये थोड़ा सा यहाँ पर टफ साइड में जाएगा, जैसे आप पहले सवाल देखे थे पहले वाले, ओके, ये था आपका फिफ्थ का, यहाँ पे बी होने की प्रोबेबिलिटी है, एवरी कल्चर इज यूनिक स्ट्रक्चर एंड बिग फाइव एंड FFR सेम, ठीक है, लेक्सिकल रिसर्च ऑन पर्सनैलिटी शोज दैट, इसकी यहाँ पर बात हो रही है, फिफ्थ का बी लाइकली पॉसिबल आंसर होगा, ओके। अब चलते हैं, ये देखिए सवाल सिक्स्थ का यहाँ पर बोल रहे हैं कि व्हेन क्लिनिकल टेक्स डिटेल हिस्ट्री ऑफ डेलिंक्वेंसी एंड क्रिमिनल ऑफेंसेस विद पनिशमेंट रिसीव बाय पर्सन, तो इन तीनों चारों में आप देखें तो मोस्ट सुटेबल आंसर जो लग रहा है यहाँ पे वो फॉरेंसिक हिस्ट्री, दो फॉरेंसिक हिस्ट्री में ये नहीं होता है, बट स्टिल यहाँ पर न तो मेडिकल हिस्ट्री में आपका यहाँ पर डेलिंक्वेंसी क्रिमिनल ऑफेंस की बात करेंगे, न पर्सनल के अंदर, पर्सनल के अंदर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ये सवाल दिया हुआ है, लास्ट के पहले भी एमएच सेट ने लास्ट टाइम भी इस प्रकार का सवाल दिया था, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक वाला, ठीक है, तो यहाँ पे लाइकली पॉसिबल आंसर डी, फॉरेंसिक हिस्ट्री देना चाहिए उन्होंने, ठीक है। फैमिली में तो देखिए आपके घर में कौन कौन है वो सब आ रहा है, तो क्या आपके घर में किसी ने क्राइम किया है, और ये मतलब थोड़ा सा ट्रिकी सवाल हो जाता है, सवाल नंबर छह, ठीक है, ओके। अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर सात, सेंट्रल फिशर सेपरेट्स, यहाँ पे आपको ये फिशर के बारे में मालूम होना चाहिए था, ये करता है आपका फ्रंटल को पैराइटल से अलग, ठीक है, ये आपका फ्रंटल है, ये आपका पैराइटल है, इसको जो अलग कर रहा है ये आपका सेंट्रल फिशर की बात हो रही है। अब चलते हैं मूविंग ऑन नेक्स्ट, अगला पूछ रहा है, ये इजी सवाल था, ये वाला भी इजी है, अभी देखिए, इज अ फाइबर बंडल दैट कनेक्ट्स द हिपोकैम्पस विद द अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ये लाइकली इम्पॉसिबल है, या लाइकली पॉसिबल है कि कोई इसको गलत नहीं करेगा, बेसल गैंग्लिया, कॉर्पस कॉलोसम, फॉर्निक्स एंड कोरोइड, यहाँ पे आपको मालूम है ऑप्शन नंबर सी, फॉर्निक्स यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है। अब देखते हैं अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर स्टेप्स इन इंटरप्रिटेटिव फिनोमेनोलॉजिकल एनालिसिस, थीम आइडेंटिफिकेशन, एनकाउंटर द टेक्स्ट, मेक समरी टेबल एंड क्लस्टरिंग, यहाँ पर तो यहाँ पे लाइकली पॉसिबल आंसर जो आपका होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2143, एनकाउंटर करेंगे टेक्स्ट के साथ, देन थीम आइडेंटिफाई करेंगे, देन क्लस्टरिंग करेंगे, और फिर उनके बेस पे हम समरी टेबल यहाँ पर बनाने वाले हैं इंटरप्रिटेटिव फिनोमेनोलॉजिकल एनालिसिस के ऊपर। राइट, ओके, आगे चलते हैं, सवाल नंबर 10 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल अज्यूम्स दैट वेलोसिटी, फॉर्म एंड ओरिएंटेशन ऑफ अ स्टिमुलाई आर रजिस्टर्ड अर्ली एंड ऑटोमेटिकली दिस फ्यूचर इंटीग्रेशन मॉडल की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, एंड ट्रीजमैन फ्यूचर इंटीग्रेशन मॉडल। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायस ऑफ अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स, तो ये देखिए अच्छा सवाल पूछा है आपसे यहाँ पे, इनमें से कौन सा यहाँ पर बायस नहीं है, इसके अंदर इफेक्टिवनेस ऑफ सर्च सेट्स, ईज ऑफ रिट्रीवेबिलिटी, इल्यूजरी कोरिलेशन, मिसकंसेप्शन ऑफ रिग्रेशन, यहाँ पर तो यहाँ पे जो आंसर वो देने वाले हैं आपको ऑप्शन नंबर ए, इफेक्टिवनेस ऑफ सर्च सेट्स। अब देखते हैं अगला आगे, सवाल नंबर 12, ये आपसे पूछ, ये तो कर लिया था ना 12 के आगे, ऑल राइट, ये तो आपने देखिए कमेंट किया नहीं किसी ने, चलिए कोई बात नहीं है, हम चलते हैं आगे सवाल के ऊपर। अब यहाँ देखिए सवाल नंबर 16 से 18, ये आप मान के चलिए पूरा घुमा दिया है यहाँ पे, अ रिसर्चर इज डेवलपिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर मेजरिंग यूनिट नंबर 3 से मैथमेटिकल एबिलिटी फॉर नॉर्मल सैंपल, कुछ भी नहीं है, शी यूज्ड आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी फॉर द सेम, IRT का इस्तेमाल किया, तो अगर आपने आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी बनती है आपको तो आपको ये बनेगा, डिफिकल्टी डिस्क्रिमिनेशन आपको मालूम है क्या कैसे होता है, विभेदीकरण मतलब वो सब चीजें कैसे होती है, तो आपको ये बनेगा, एल्स लाइकली इम्पॉसिबल है, अगले तीन सवाल आपके यहाँ पर मिस होने वाले हैं, और उसके बाद अगर ये भी आता है तो भी लाइकली पॉसिबल है कि आप जो है यहाँ पर सवाल गलत करने वाले हैं, क्योंकि सवाल कहाँ से घुमाया है उन्होंने, डाइकोटोमस आइटम्स है, करेक्ट इनकरेक्ट ठीक है, लेकिन यहाँ पर द डेटा ऑफ 300 रिस्पॉन्डेंट्स वॉज कलेक्टेड ऑन 5 आइटम्स, ये यहाँ तक भी ठीक था, IRT मॉडल्स आर 1PL, 1 पैरामीटर बी, सेकेंड पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर, यहाँ पर तो जो अभी आपको ऊपर बताया उसी की बात कर रहे हैं, बस यहाँ पे उन्होंने इस प्रकार से पूछा है, तो अगर आपको इनके मॉडल्स के बारे में राश वगैरह क्या बोल रहा है वो अगर आपको मालूम है यहाँ पर, तो आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा
इजी तो नहीं होता, बट हाँ थोड़ा बहुत आप यहाँ पर अजम्पशंस के बेसिस पे कुछ कर सकते थे। उसके बाद देखिए उन्होंने जो मिक्स किया यहाँ पर वो ये भी किया है कि बी एस सी यहाँ दे दिया है। चाहते तो सीधा सीधा वो ए बी सी भी दे सकते थे, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने, मतलब पहले तो टफ हो ही रहा था, इसको और टफ बना दिया यहाँ पर और कंफ्यूज करके, ताकि आपका जो है ऐसे सवालों के अंदर यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर वो क्या क्या आंसर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर लॉग और काफी ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है। लेकिन फिलहाल हम अपने पैरामीटर्स की बात करें तो इसमें आपको तीन देखने मिलते हैं, आइटम वन, आइटम टू, आइटम थ्री, आइटम फोर, आइटम फाइव यहाँ दिया हुआ है। इस ये जो बोल रहे हैं यहाँ पर ये आपकी डिफिकल्टी के लिए बोल रहे हैं, ये आपके डिस्क्रिमिनेट करने के लिए बोल रहे हैं, और ये वाला जो बोलते हैं आपके ये गैसिंग के लिए बोलते हैं कि आप इस सवाल को कैसे करने वाले हैं, गैस करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब कुछ दिया हुआ है उसके बेसिस पे आपके जो मोस्ट लाइकली आंसर होने वाले हैं वो ये बोल रहे हैं कि विद सिंगल आइटम नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द टेस्ट टू मेक द टेस्ट सुटेबल फॉर एवरेज एबिलिटी इंडिविजुअल्स। ठीक है, एवरेज एबिलिटी इंडिविजुअल्स के लिए आप जो है पांच आइटम में से किसको रिमूव करेंगे ताकि आप जो है दे सके यहाँ पर। तो यहाँ पर लाइकली पॉसिबल आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, आइटम नंबर फाइव को जो है आप यहाँ पर इसको यहाँ से आप हटाएंगे अपने टेस्ट के अंदर से। ठीक है, आइटम नंबर फाइव आपका दिख रहा है यहाँ पे 3.2 का लेके जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके, अगेन ये जो तीन सवाल हैं बहुत ही, ये जो आपका कट ऑफ और ड्रॉप करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि तीन सवाल बहुत ही ट्रिकी हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके, अगला देखिए सवाल नंबर 17 में। अब उनके ऊपर देखिए कंप्लीटली यहाँ किसको देंगे वो। 17 में आइटम 4 इन द टेस्ट हैज हाई डिस्क्रिमिनेशन, लो डिफिकल्टी एंड लो गैसिंग। लो डिस्क्रिमिनेशन, सीधे आंसर पे चलते हैं यहाँ पर हम, क्या बोल रहे हैं सवाल नंबर 17 में। यहाँ पे आपका जो होने वाला है वो होने वाला है आपका हाई डिस्क्रिमिनेशन, हाई डिफिकल्टी एंड लो गैसिंग। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा हाई डिस्क्रिमिनेशन, हाई डिफिकल्टी एंड इसकी जो है लो गैसिंग, हम यहाँ बोल रहे हैं ये ऑप्शन नंबर सी देंगे वो इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, इफ आई एम करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, या फिर हाई डिस्क्रिमिनेशन, लो डिफिकल्टी एंड लो गैसिंग। ठीक है, नहीं लो गैसिंग नहीं, हाँ ठीक है, और कहीं पर हाई डिस्क्रिमिनेशन है क्या? नहीं, यहाँ भी लो है, यहाँ भी लो है। ठीक है, वो देंगे तो या तो ए देंगे या सी देंगे, सी के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, लेकिन वो ए भी दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखना इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर कि वो कैसा अज्यूम कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो सी के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है, तो अगर सी मार्क किया है तो आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी सही है, इफ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट ऑफ 16 नंबर, अगर ये वाला सही हो रहा है देन। ऑलराइट, ओके, उसके आगे देखते हैं विच ऑफ द आइटम इज इजी टू गेस। इजी टू गेस में आपका यहाँ पर आइटम नंबर 3 जो है वो यहाँ पर इजी टू गेस यहाँ पर होने वाला है, 0.8 का आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये आपका वाकई में आपका टफ सवाल है यहाँ पर, आईआरटी थ्योरी से लिया गया है आइटम रिस्पॉन्स में, तो इससे पहले इस प्रकार के सवाल नहीं पूछे गए, तो आप मान के चल सकते हैं एमएच सेट का अगले साल क्या रहने वाला है स्टैंडर्ड, तो और ऊपर वो जंप करेंगे, शूट करेंगे। ऑलराइट, इसका आपने ध्यान रखना है, ये आपके लिए अच्छी बात होगी अगर आप और अच्छे से पढ़ते हैं तो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आईआरटी मॉडल्स आपका यूनिट नंबर 3 से लिया है, 18 नंबर का सवाल हमने कवर किया यहाँ पर। इसके आगे चलते हैं सवाल नंबर 19 को देखते हैं, सवाल नंबर 19, ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ एफ स्टेटिस्टिक्स इज नॉट नेसेसरी फॉर मल्टीपल कंपैरिजन प्रोसीजर, एंड इसके आगे जो बोल रहे हैं वो आपको पढ़ना भी नहीं है, अगर आपको केवल थोड़ा सा, ये मॉडरेट सवाल है, अगर आप इसको कर लेते हैं तो अच्छी बात है। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीपल कंपैरिजन प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ एफ स्टेटिस्टिक्स यानी कि एफ वाला जो निकालते हैं हम, उसका सिग्निफिकेंस होना जरूरी नहीं है इसके लिए, मल्टीपल कंपैरिजन प्रोसीजर के लिए। तो अगर आपको ये मालूम है ये क्या होता है मल्टीपल कंपैरिजन प्रोसीजर, तो आप इसको कर पाएंगे, और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप लाइकली पॉसिबल है कि आप जो ये आंसर 1 या 2 में से कुछ करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं डंकन्स टेस्ट आपने सुना है होगा अगर, तो यहाँ पर इसकी बात हो रही है, आपको एफ स्टेटिस्टिक्स जो है यहाँ पर नेसेसरी हो जाता है इसको लगाने के लिए। ठीक है, जिसको आप पोस्ट हॉक के नाम से भी जानते हैं उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो आपको ये समझ में आ रहा है, जब तक आपका एफ सिग्निफिकेंट नहीं आएगा यहाँ पर, सिग्निफिकेंस ऑफ एफ स्टेटिस्टिक्स इज नेसेसरी फॉर मल्टीपल कंपैरिजन प्रोसीजर, जब तक आपका आएगा ही नहीं सिग्निफिकेंट, तो आगे आप पोस्ट हॉक लगा के आगे आप जो ग्रुप्स हैं आपके उनके बीच कैसे डिफरेंसेस आप चेक करेंगे। तो जैसे आपको मालूम पड़ता है एक जो है आपका क्या होने वाला है, ए फॉल्स होने वाला है, तो आर को आपको चेक भी नहीं करना, आर आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 23, फॉर अ कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन विद आईवी एट 3 लेवल्स, इफ वी कैरी आउट टी टेस्ट देन वी आर लाइकली टू मेक इट हाई पावर, पावर इज हाई यहाँ पर। ठीक है, ये आपका आंसर होने वाला है सवाल नंबर 23 का। ठीक है, टाइप 2 एरर रिमेन सेम, टाइप 2 एरर इंक्रीजेस, टाइप 1 एरर इन्फ्लेट, क्योंकि हमारे पास जब दो होते हैं तो हम टी लगा ही रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइज इंक्रीज कर दे रहे हैं, जिससे हमारी पावर भी यहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पास क्या है 3 लेवल्स पे हमने कर दिया है, 5 पे भी कर सकते हैं और 10 पे भी कर सकते हैं लेवल्स। यहाँ पे देखिए अगला सवाल, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन सेल्फ रिपोर्ट एंड ऑब्जर्वर रिपोर्ट ऑन पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर इंडिकेट्स हाई रिलायबिलिटी ऑफ अदर रिपोर्ट, नॉर्मेटिव यूज ऑफ अदर रिपोर्ट मेजर्स एंड वैलिडिटी ऑफ सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होना चाहिए,
ये जो है वैलिड हो जाएगा सेल्फ रिपोर्ट वाली जो बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेल्फ रिपोर्ट ऑब्जर्वर रिपोर्ट के बीच पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लाइकली पॉसिबल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, वैलिडिटी ऑफ सेल्फ रिपोर्ट मेजर, की जो सेल्फ रिपोर्ट वाला बोल रहा है वो लग रहा है कि हाँ वो प्रॉपरली मेजर कर पा रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर की जो रिपोर्ट है वो भी वही बोल रही है। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल, सवाल नंबर 26, व्हाइल वेरीफाइंग द हाइपोथेसिस इन रिसर्च टाइप वन एरर अकर्स व्हेन, टाइप वन वाला एरर हम कब अकर करते हैं, जब आपका ट्रू वाला जो है इसको हम रिजेक्ट करने वाले हैं, सवाल नंबर 26 के अंदर। ऑलराइट, ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो आपके सामने आ रहा है वो ये है कि व्हाइल स्टडीइंग द रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड एक्सट्रावर्जन रिसर्चर यूज्ड अ पॉइंट बायसियल कोरिलेशन, इसका उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया। ठीक है, और रिसर्च में दिया है अ पॉइंट बायसियल कोरिलेशन कैन बी यूज व्हेन वन ऑफ द वेरिएबल्स इज नेचुरली डाइकोटोमस, ये लिख दिया उन्होंने नेचुरली डाइकोटोमस, एंड द अदर वेरिएबल इज कंटिन्यूअसली मेजरेबल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों ही स्टेटमेंट सही है, एंड वाई, एंड इसीलिए बिकॉज, ठीक है, व्हाइल स्टडीइंग द रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड एक्सट्रावर्जन रिसर्चर यूज्ड अ पॉइंट बायसियल कोरिलेशन, क्यों किया उसने इस्तेमाल, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब ये है ना, ये रिलेट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये मे बी वो खेल सकते हैं कि नहीं यहां पर नहीं कर रहा है रिलेट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए और बी, यहां में से दोनों कुछ भी दे सकते हैं वो इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि व्हाइल स्टडीइंग द रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड एक्सट्रावर्जन रिसर्चर यूज्ड अ पॉइंट बायसियल कोरिलेशन, यहाँ देखिए यहाँ पे किसी रिसर्चर की बात हो रही है मान के चलिए ए, अब यहाँ बोल रहे हैं क्यों अ पॉइंट बायसियल कोरिलेशन कैन बी यूज्ड व्हेन वन ऑफ द वेरिएबल्स इज नेचुरली डाइकोटोमस एंड द अदर वेरिएबल इज कंटिन्यूअसली मेजरेबल, स्टेटमेंट तो दोनों सही है यहाँ पे। ठीक है, तो लाइकली पॉसिबल आंसर, लाइकली पॉसिबल बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, बट यहाँ पे ए आंसर आपका होने वाला है, बी भी हो सकता है कि इसको नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, डिपेंड करता है कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, मे बी थोड़ा जल्दी में है तो इंटरप्रेट हो नहीं पा रहा है प्रॉपरली। ऑलराइट, अगला सवाल चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे आपका, जो सवाल आने वाला है आपके सामने वो है आपका सवाल नंबर, ओके, ये रहा इन अ 2x2 कंप्लीटली रेंडमाइज फैक्टोरियल डिजाइन, देखिए फिर से फैक्टोरियल डिजाइन आया है, अगली बार एमएचएड आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, फैक्टोरियल डिजाइन के बारे में, सो बी प्रिपेयर्ड, लेकिन पढ़ के जाना है आपने, ऐसा नहीं करना है। हाउ टू डिटरमिन इंटरेक्शन इफेक्ट, SS देख लेंगे, IV1 और SS IV2 का स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इसका एंड इसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन वेयर लाइंस क्रॉस ईच अदर इन सिग्निफिकेंट एरर टर्म, तो यहाँ पे सी आपका आंसर होने वाला है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेयर लाइंस क्रॉस ईच अदर, उससे हम यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं इंटरेक्शन इफेक्ट के बारे में। अगला देखिए पूछ रहा है आपसे यहाँ पर किसके बारे में, इंटरेक्शन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर 2 and 2x3 कंप्लीटली रेंडमाइज फैक्टोरियल डिजाइन, ए वाला इस लेवल पे है, बी वाला इस लेवल पे है, इसको आप करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर 2, ठीक है, 1 into 2 गिव्स आउट 2, क्योंकि हमको ए इंटू बी का निकालना है। ऑलराइट, ओके, अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, सवाल नंबर जो होने वाला है आपका वो है 50, यस 50 सवाल है आपका यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रुस्काल वालिस टेस्ट, इट रिक्वायर्स द अजम्पशंस ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट, इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव टू वन वे अनोवा, इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव टू कोरिलेटेड टी टेस्ट, इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ लार्ज सैंपल साइज डेटा, यहाँ पर क्या होगा आंसर, सिंपली आपका ऑप्शन नंबर बी, नॉन पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव टू आपका वन वे अनोवा क्रुस्काल वालिस एच टेस्ट। उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द क्वासाई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, इट अलाउज अ स्ट्रिंजेंट कंट्रोल ऑन एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट टू डिफरेंट ग्रुप्स इज इजीली डन, यहाँ पे आपका नीदर वन नॉर टू यहाँ पे आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे पास जो कंट्रोल नहीं होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता है, उसी के साथ रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू डिफरेंट ग्रुप्स इज इजीली डन, नहीं इसको हम रैंडम असाइन नहीं करते, जो हमारे पास है उन्हीं को हम यहाँ पर ले लेते हैं। ऑलराइट, तो सही आंसर क्या होने वाला है आपका, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन और टू। ऑलराइट, ओके, तो इसी के साथ हमने यहाँ पर जो आपके रिसर्च के बाकी के सवाल थे उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, एंड फिर इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, ये होगा आपका पार्ट नंबर 3 आपका एमएच सेट आंसर की पेपर एनालिसिस सॉल्व पेपर नेक्स्ट टाइम वालों के लिए, एंड इसकी हम वेट करेंगे फाइनल आंसर की आने का, एक बार फिर से देखेंगे यहाँ पर कि उन्होंने क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया हुआ है, लास्ट टाइम भी उन्होंने किया था लेकिन वो एक दूसरे से ज्यादा गलत नहीं कर पाए थे, इस बार देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, तब तक के लिए वेट करते हैं, आप सभी को ऑल द बेस्ट, आपको एक अंदाजा लगा होगा यहाँ पर कि आपके आंसर्स किस प्रकार से होने वाले हैं, क्या वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, एंड जो लोग भी आप लोग इस बार सेट क्लियर करने वाले हैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड जिनका नहीं होता है इन फ्यूचर वो आगे अपना अगेन सेट के लिए या नेट के लिए आगे अपना अच्छे से
प्रिपेयर कर सकते हैं। पेपर टफ था नो डाउट यहाँ पर, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका जो अच्छे से पढ़ाई करनी है, मेन कॉज यही है कि आप जो है अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल राइट, ओके, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको लगता है कुछ डाउट वगैरह आपको कि इस सवाल का आंसर ये नहीं होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ओपन टू ऑल, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड फिर मिलते हैं आपसे जल्दी इसकी आंसर की रिजल्ट जो भी आता है उसके बाद में। तब तक के लिए गुड बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, और मिलते हैं आपसे जल्दी किसी न्यू वीडियो में। हम वहां पर बात करेंगे और किसी टॉपिक्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर।